दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडिया में तत्काल टिकट बुक करना कितना मुश्किल काम है। 2 मिनट में सारी ट्रेन जो है वो फुल हो जाती है। ऐसे में हम खुद से तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ट्रस्ट मी, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड और आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो आप 30 सेकंड के अंदर में जो है वो तत्काल टिकट बहुत ही आसानी के साथ बुक कर सकते हैं। आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले ही फिल कर देनी है और सारी चीजें टिकट बुक करते वक्त जो है वो ऑटोमेट हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमें एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा तत्काल फॉर श्योर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए इस एक्सटेंशन को क्रोम में ऐड कर लेते हैं। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, और ये हमारा एक्सटेंशन जो है वो क्रोम में ऐड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में तत्काल फॉर श्योर, जल्दी टिकट, और यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो है एक नया ट्रिप जो है वो क्रिएट करना है। अपने ट्रिप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें फिल करनी है और ये ऑटोमेटिकली 10 से 11 बजे के बीच में जो है ऑटो फिल हो जाएगा IRCTC के ऊपर। तो चलिए क्रिएट ए न्यू ट्रिप, और यहां पे सबसे पहले आपको अपने IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है ताकि आपको बाद में जो है वो एंटर करने की जरूरत ना पड़े। और ये एक्सटेंशन है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाएगी। तो चलिए इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। एंड इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको जो है अपने ट्रिप से रिलेटेड, जर्नी से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। कहाँ से कहाँ तक सफ़र करना है, आपको यहाँ पे ट्रेन नंबर की ज़रूरत होगी। तो चलिए फिल कर लेते हैं। NDLS टू DBG दरभंगा, और डेट ऑफ जर्नी 12, ट्रेन नंबर एंड देन क्लास जो है आपको जो भी क्लास फिल करना हो। थर्ड AC के लिए जो है आपको 10 बजे लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आप स्लीपर में बुक करना चाहते हैं तो आपको जो है 11 बजे लॉग इन करना पड़ेगा, मतलब इसका जो टाइम है। तो मैं यहाँ पे थर्ड AC सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोटा हमारा तत्काल है। अगर आपका कोई बोर्डिंग स्टेशन है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है पैसेंजर की इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। तो चलिए फिल कर लेते हैं। एंड देन नेक्स्ट, अगर कोई चाइल्ड है तो उसके लिए आप फिल कर सकते हैं। आपको अपना फोन नंबर फिल करना है और जो भी ऑप्शन है, अगर आप कंफर्म टिकट ही सिर्फ चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को मार्क कर दीजिए। और यहाँ पे स्पेशल कंडीशन है कि मतलब लोअर हो तो बुक किया जाए, या फिर जो भी बर्थ आप चूज करते हैं सिर्फ वही हो तो बुक किया जाए, या फिर कोई भी, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है अपने कार्ड से रिलेटेड या फिर अपने बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ये थोड़ा सा रिस्की लगता है ना देखने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये टेम्प्रोरी है। आपके एक्सटेंशन में, आपके क्रोम में ही ये इन्फॉर्मेशन सेव रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं फिल कर लेता हूँ ताकि वहाँ पे हम क्विकली जो है वो बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंड देन जो दूसरे इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें फिल करनी है। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जो है सिंपली आपको सबमिट करना है। आप चाहे तो CVV और पिन जो है वो ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके बगैर जो है वो पेमेंट होगा ही नहीं। आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन पेमेंट पेज के ऊपर डालनी होगी। तो चलिए सबमिट कर देते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टिकट जो है वो क्रिएट हो गया है, बुक नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी क्रिएट हुआ है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने फिल की है वो हमें अब फिल करने की जरूरत नहीं होगी और नेक्स्ट भी करने की जरूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली सारी चीज जो है वो आपकी आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो आपको कुछ ही सेकेंड में जो है वो टिकट, कन्फर्म टिकट मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम जो है वो हमारा हो गया है 9:59 जो है वो हो चुका है। तो 10 बजे टिकट बुक होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं बुक नाउ, और यहाँ पे सिंपली आपको जो है कैप्चा जो है वो एंटर करना होगा। सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो रही है, सिंपली आपको जो है कैप्चा जो है वो एंटर करना होगा। कैप्चा एंटर करके आपको जो है एंटर करना है। सारी ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली यहां पे काम कर रहे हैं। यहां पे आप जो अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए।
जो भी है, पेन, कैप्चा, प्रोसीड। और ये हमारा कंफर्म तत्काल टिकट जो है वो बुक हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी जल्दी अभी टाइम जो है यहाँ पे हमारे पास 10:01 हुआ है और उसके अंदर ही जो है हमने यहाँ पे एक टिकट जो है वो बुक कर लिया है। तो बहुत ही आसान है। लेकिन दोस्तों मैं तो कछुए की चाल चल रहा था, अगर आप खरगोश की चाल चलते हैं तो आप 30 सेकेंड क्या, आप जो है 15 सेकेंड में भी बुक कर सकते हैं अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। तो ये था एक छोटा सा मेथड कि किस तरीके से आप फास्ट तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। आप जो है पहले भी लॉग इन कर सकते हैं IRCTC के ऊपर 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले, और होम पेज के ऊपर आप ऐसे ही रहिए, जैसे 10 बजेगा ऑटोमेटिकली वो पेज जो है काम करना, जो भी एक्शन है वो काम करना शुरू हो जाएगा। तो आप पहले भी लॉग इन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो है एकदम टाइम से बुक नाउ के ऊपर क्लिक करना है, पहले भी आकर के 1 से 2 मिनट पहले आकर के भी आप काम शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता ही है ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी तत्काल कंफर्म टिकट खुद से बुक कर सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।